देखिए आप कितना खूबसूरत नज़ारा है डचेस फॉल का। अरे वाह मज़ा आ रहा है आज तो। गुड मॉर्निंग। और आज पचमढ़ी का हमारा दूसरा दिन का जो ट्रिप है वो शुरू हो रहा है, और आज का हमारा जो ट्रिप है वो डचेस फॉल को एक्सप्लोर करने का है। तो हमारे सभी साथी चलने को तैयार हैं और चलते हैं। डच फॉल के लिए अब हम निकल चुके हैं, और ये है पचमढ़ी का जो मार्केट है, पूरा कैंटोनमेंट एरिया है, छावनी है, और काफी पुरानी छावनी है पचमढ़ी की। कल रात को यहाँ इसमें लाइट जल रही है, यहाँ की खूबसूरती तो हाँ देखती बनती है। हमारे साथ में टूरिस्ट है सोनाली ढाकसे जी, क्या कहना चाहेंगे सोनाली जी आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम पचमढ़ी में आके, और बस अब हम घूमने जा रहे हैं। अभी हम लोग डच फॉल घूमने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग नहाएंगे, एंजॉय करेंगे, और उस मोमेंट को हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। आपके चेहरे में जो खुशी दिख रही है ना, वो निश्चित रूप से एडवेंचर को आज एक्सेप्ट करने की है। आज हम बहुत बड़ा एडवेंचर करने जा रहे हैं डचेस फॉल की ट्रैकिंग। और पीयूष जी क्या कहते हैं आप? मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और मैं फुल एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या बात है, बहुत चलिए। हमारे साथ में चिन्मय जी भी हैं। हेलो, पचमढ़ी का तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा इसीलिए लग रहा है क्योंकि पचमढ़ी तो बहुत प्यारी जगह है ही घूमने के लायक। मेरे साथ जो लोग हैं, हमारे सर, हमारी मैम और जो भी साथी हैं मेरे, इन लोगों के साथ बहुत मजा आ रहा है। तो आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ आइए और पचमढ़ी के ट्रिप को एंजॉय कीजिए। क्या बात है। और आज जिस फॉल पे हम जा रहे हैं, निश्चित रूप से आपने जो एक्सप्लोर की बात कही थी पचमढ़ी में, हमें बहुत अच्छा लगा आज का यह फॉल भी। और हमारे साथ में क्यूट सी एक टूरिस्ट है, आइए उनसे बात करते हैं। शाम्भवी नाम है, कैसा लग रहा शाम्भवी आपको? मैं पहली बार पचमढ़ी आई हूँ, और सिर्फ पचमढ़ी की नहीं बल्कि दोस्तों के साथ भी ये मेरी पहली बड़ी ट्रिप है। क्या बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ के व्यूज बहुत सुंदर है, हरियाली तो मुझे वैसे ही पसंद है, नेचर से मैं अट्रैक्टेड हूँ, तो बहुत मजा आ रहा है। क्या बात है। और जिस लोकेशन पे हम जाने वाले हैं, जिस साइट पे हम जाने वाले हैं, उसे डचेस फॉल कहते हैं। और डचेस फॉल काफ़ी डीप है, लगभग 1100 मीटर के आसपास वो जो डीप हमें जाना पड़ता है, और वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत झरना बहता है जिसे हम डचेस फॉल के नाम से जानते हैं। तो चलेंगे आगे वीडियो में डचेस फॉल, आइए चलते हैं। पचमढ़ी के जो बाइसन जो लॉज है, यहाँ जो टिकट काउंटर के बाद में जो आपको कौन कौन से जो जोन है जहाँ आपको अपनी जो ट्रिप है वो एक्सप्लोर करना है, वो इसमें लिखा हुआ है। जोन क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इस प्रकार से ये पूरा ट्रिप का प्लान होता है हर दिन का जो आप कर सकते हैं। तो इसमें जो चार नंबर जो हमारा जो ट्रिप है वो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। चार नंबर आपको दिखाते हैं क्या चार नंबर में। आज चार नंबर में है, यहाँ सबसे पहले म्यूजियम है, डचेस फॉल है, एसी फॉल है, सुंदरकुंड है, आसन दृश्य, भव्य दृश्य और घूपगढ़। तो ये आज का हमारा दिन भर का ट्रिप है। तो म्यूजियम जो है, म्यूजियम तो बाइसन लॉज में ही एक म्यूजियम है, यही म्यूजियम कहलाता है, और यहाँ पर प्राकृतिक जो एनिमल्स हैं उनके कुछ पुतले रखे हुए हैं, कुछ प्राकृतिक जो घटनाएं हो चुकी है यहाँ पर उनको भी सहेजा गया है। बहुत अच्छी जो है वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलती है। आज वीकेंड है, वीकेंड पर टूरिस्ट की भरमार है, और इसी बीच हम भी हमारी यात्रा के लिए आए हैं, और चलते हैं अपने दोस्तों के पास। ये देखो हमारी ये यंग ब्रिगेड है जो हमारे साथ पचमढ़ी को एक्सप्लोर करने आई है, कैसा लग रहा है आप सबको? हेलो फ्रेंड्स, जैसे सर ने कहा कि यंग ब्रिगेड इधर है, तो यंग ब्रिगेड इधर नहीं, कैमरे के पीछे भी एक हमारे यंगर ब्रदर हैं, जो कि इस ट्रिप को पॉसिबल करने में अगर कहा जाए तो 99% उन्हीं का था, और 1% शायद हम लोगों का रहा होगा, पर पूरा सर को हम लोग ट्रिप के लिए एक बार थैंक यू बोलेंगे सब लोग। थैंक यू सर।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से आपको धन्यवाद, युवाणी टीम की ओर से, और जो हमारे अन्य साथी भी उधर दूसरी ट्रिप में बैठे हुए हैं तो उनकी तरफ से भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके चीज़ें और एंजॉय करें हम लोग। थैंक यू सो मच सर। और लोग कुछ बोलना चाहेंगे? अगली आवाज़ पलक गुप्ता की होगी। नहीं सर, ट्रिप में आके बहुत मजा आया, थैंक्स टू यू कि आपने हम सबको इस ट्रिप पे लेके आए और इतना एंजॉयमेंट करने का मौका दिया, वरना ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलता। लो नहीं सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जैसे कि कल हमने नॉन फॉरेस्ट वाली जगह देखी, आज हम फॉरेस्ट वाली जगह देखने जा रहे हैं, तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। वन्य जीवों के बीच में जाएंगे, वन्य के बीच में जाएंगे, और बीइंग अ यूथ ब्रिगेड हमारा ये काम है कि हम हमारे प्रदेश को समझे और हमारे जंगलों को समझे। विभूति हेलो गाइस, क्या बोल रहे हैं सर, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है कि हम बता नहीं सकते, वर्ड्स बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए हम आपको सारी अपडेट वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। जी नहीं नहीं सर, मैं यही बोलती कि स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जजेस फॉर यू, ये। तो दोस्तों ये देखिए आपने हमारी ये यूथ ब्रिगेड, और इन सब के साथ में आज हम पचमढ़ी का डचेस फॉल एक्सप्लोर करेंगे। ये आज की हमारी गाड़ी के हमारे ड्राइवर साहब हैं अजीत भाई, नमस्कार। और अजीत भाई के पास में देखिए पर्ची है, क्या क्या पर्ची, ये कौन कौन सी पर्ची आपने कटवाई बताइए सर। सर ये अपनी जिप्सी की पर्ची कटी है, हाँ हाँ, 4,000 रुपये की। अच्छा अच्छा, ये फॉरेस्ट की कटी है 1,220 रुपये की। जी जी जी, तो इसी के वे इसी ये काटने के बाद ही हमें परमिशन मिलती है। जी, इसी काटने के बाद हमें परमिशन मिलती है गेट में, ये परमिट है। अच्छा, ये परमिट है, ये परमिट है, ये जिप्सी का परमिट है। तो चलिए हम चलते हैं, चलते हैं, चलिए, ओके, थैंक यू। डचेस फॉल की यात्रा, और पचमढ़ी जो है, पचमढ़ी विशेष रूप से खूबसूरत आम के जो बगीचे हैं, बड़े बड़े बगीचे हैं, इसके लिए माना जाता है। ये अंग्रेजों के जो समय का है ना ये, सही में शेर था, मैंने तो देखा, वहाँ कॉर्नर पे खड़ा था ना, देखा नहीं? अरे उन्होंने देखा ही नहीं शेर, मैं तो इधर बगीचा देखा, अरे वहाँ पे था, हाँ बिल्कुल बोलता पानी की बॉटल वगैरह है ना आपके पास? हाँ, काश दुकान है जिप्सी इतनी फास्ट चल रही है कि मेरी जो हेड है वो बार बार हवा में उड़ जा रही है, अब मुझे उसको हाथ से पकड़ के रखना पड़ रहा है। अब आप समझ सकते हैं मैंने क्या पोजीशन ली हुई है, हाथ मेरे सिर पे और सिर के नीचे टोपी बस ये वाली है। ज्यादा हाइट पकड़ेंगे तो वो आ जाएगा। अरे हेलो, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं रे बाबा? चल आप छोड़ दो उसको, आप ये अब आप फॉरेस्ट के रास्ते में आ गए तो गाड़ी बहुत हिल रही है। ये मुन्नो की गाड़ी थी, ये डचेस फॉल जाने की जो फॉरेस्ट की जो चौकी है, यहाँ पर हमें अपना परिचय देना पड़ता है, और जो टीम मेंबर से कितने लोग आप टूरिस्ट जा रहे हैं ये बताना पड़ता है, ताकि इनकी जो लॉग बुक है वहाँ एंट्री होती है, और वापसी में ही ऐसा बता रहे हैं कि वापसी में ये मिलान करते हैं कि कितने लोग जो गए थे वो पूरी गाड़ियाँ वापस लौटी है या नहीं लौटी है। तो ये बड़ी अच्छी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बहुत अच्छी एक सोच है, और ये जो डिसिप्लिन है इसे हम सभी टूरिस्ट को पालन करना चाहिए। जल्दी गए वो लोग क्या?
चलिए, ये जचेस फॉल का जो रास्ता है बहुत खूबसूरत जो फॉरेस्ट है। हाँ और ये ऐसी जगह है जहाँ पर हमें मिलता है कि एनिमल हमें दिख सकते हैं। पिछले जन्म के रिश्तेदार की आवाज सुनो, मोर चिल्ला रहा है, मोर चिल्ला रहा है, मोर गाना गा रहे हैं, टू टू कर रहे हैं। ये मैंने जब पुराना डच फॉल का वीडियो बनाया था क्या आज मेरा पुराना यूट्यूब पर वीडियो देखोगे ना तो ये वाली पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे जो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब ये देखो यहाँ ये क्या है, ये रास्ता थोड़ी है, ये वो है नाला है। हाँ बारिश सब बंद हो जाते कल कितना अंदर गए थे उससे डबल अंदर जाना है। शिकल दरा भी नहीं है, ऐसे अपनी गाड़ी के ऊपर बंदर भी निकलते हैं। रास्ता वहाँ का कच्चा है, मगर प्लेन है। यहाँ मोबाइल नेटवर्क रहता है कि नहीं? अपन नहीं यहाँ कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। मेरा तो चला भी गया नेटवर्क, आओ गया नेटवर्क पहले बस करके एयरटेल जैसे बड़े तो डर ही नहीं यहाँ। उस टाइम अपन वापिस आ रहे थे ना कल, उस टाइम तो हालत खराब हो जाए कोई जाए तो हाँ हो गया था। तो ऐसी स्थिति अपने साथ नहीं बनी, जल्दी जल्दी कर लेना बाबा। देखो ये जहाँ नीचे था पर इतनी थोड़ी थोड़ी बन जाती है, बाद में देखते चलना है। चलो भैया आ गया पॉइंट, यहाँ से 11 नंबर की गाड़ी चलना शुरू कर दीजिए। चलिए भाई ये गाड़ी आपको बदलना है, अब 11 नंबर गाड़ी से हम चलना शुरू करेंगे। ड्राइवर साहब ने हमें यहाँ पर जो डचेस फॉल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ हमें छोड़ दिया, अब यहाँ से हमें नीचे ट्रैकिंग करना है। आज तो ऐसी कैसी हो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। चलो बढ़िया है, ये तो टीम तैयार है, अब ट्रैकिंग यहाँ से अपनी ट्रैकिंग शुरू होगी। तो सब लोग ट्रैकिंग के लिए तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं ट्रैकिंग के लिए? तो फिर चलो। हमारी ये दूसरी गाड़ी का ड्राइवर साहब है, उनका परिचय जानते हैं। ड्राइवर साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंबिका प्रसाद जायसवाल। अंबिका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने यहाँ तक हमको पहुँचाया है। और आप चलेंगे साथ में ट्रैकिंग पे? चलिए तो आप यही वेट कीजिए, हम आते हैं ट्रैकिंग करने। चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं ट्रैकिंग। जाना कहीं घूमने का नहीं आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। चलिए मजा आने वाला है, एडवेंचर है तो थोड़ा सा टिपिकल तो रहता है, और टिपिकल चीजें यंग जो जनरेशन है उनके लिए कुछ माने रखती है। चलो करते चलो।